नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। सबसे पहले एक नजर देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नेशन 50 में। संसद सुरक्षा चूक मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार, 5वें आरोपी की हुई पहचान, ललित झा है नाम। संसद सिक्योरिटी ब्रेक में 6 लोग थे शामिल, 2 ने सदन के अंदर किया हंगामा, 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया और 2 प्लानिंग में थे शामिल। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गृह मंत्रालय ने जांच के लिए बनाई कमेटी, सीआरपीएफ और डीजी की अगुवाई में होगी जांच। लोकसभा में मुख्य आरोपी सागर को सांसदों ने पकड़कर पीटा, सुरक्षा में चूक पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, विपक्षी सांसदों ने कहा लापरवाही पर हो सख्त एक्शन। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज की एफआईआर, 4 गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस का बयान, आरोपियों का किसी भी संगठन से जुड़े होने से इनकार, पूछताछ के लिए विशेष टीम का गठन। संसद सुरक्षा चूक मामले में 6 आरोपी की तलाश जारी है, गिरफ्तार हुए आरोपियों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही एजेंसियां। दिल्ली पुलिस ने विकी शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है, इन्हीं के घर से रुके हुए थे आरोपी, विकी शर्मा के दोस्त हैं दोनों आरोपी। सुरक्षा में चूक के बाद संसद में विजिटर पास पर लगी रोक, लोकसभा स्पीकर के अगले आदेश तक पास पर रोक लगाई गई। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, आतंकियों और आईडीएफ के बीच गोलीबारी, आतंक के कई अड्डों पर बनाया निशाना। जेनिन कैंप के पास इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हुआ, सड़क पर ग्राउंड ऑपरेशन को जाती दिखी इजरायली सेना। हमास ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो, इजरायली सेना के मिलिट्री वाहन और मरकबा टैंक को निशाना बनाने का दावा। हमास का इजरायल पर हमला, इजरायली सेना का दावा, अल मवासी इलाके से दागे 116 रॉकेट। खान यूनिस में हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग हुई, सामने आया नया वीडियो, एक दूसरे पर कर रहे ताबड़तोड़ फायरिंग। हिजबुल्ला के आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना का प्रहार, साउथ लेबनान में स्ट्राइक, आतंक के कई अड्डे तबाह। जेनिन में इजरायली सेना पर हमला, अस्पताल के पास से आईडीएफ पर फेंके गए पत्थर। जेनिन में इजरायली सेना और फिलिस्तीन फाइटर में लड़ाई, इजरायली सेना पर किया गया हमला। गाजा में आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की लड़ाई, दोनों के बीच जारी है जोरदार जंग। हमास ने इजरायली सेना पर हमले किए तेज, आईडीएफ की गाड़ियों पर आईडी से हमला किया। खान यूनिस में हमास के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर, 55वीं ब्रिगेड की टोही बटालियन ने एक स्कूल में हमास के आतंकियों को ढेर किया। जंग के बीच इजरायली सेना का लेबनान पर हमला, आतंकियों के अड्डों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना। खान यूनिस में हमास का इजरायली सेना पर हमला, बाहरी इलाकों में इजरायली सैनिक पर चलाई गई गोली। हमास ने इजरायल पर दागे कई रॉकेट, आयरन डोम ने कई रॉकेट को हवा में ही किया बेकार। इजरायल के अशदोद में सुपरमार्केट में गिरा रॉकेट का मलबा, गाजा पट्टी से दागे गए थे रॉकेट। लेबनान बॉर्डर पर तेज हुई हिजबुल्ला और इजरायली सेना की लड़ाई, लगातार आ रही धमाके की आवाज, आसमान में दिखे धुएं के गुबार। जेनिन के अल अंसार मस्जिद के पास इजरायली सेना का हमला, बमबारी के बाद इलाके में लगी आग। इजरायली सेना का बनई सुलसिला में हमला हुआ है, इलाके के कई आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, अभी भी ऑपरेशन जारी। गाजा पर इजरायली सेना का अटैक, हमास के आतंकियों पर तोप से हमला किया। यरूशलम में इजरायली सेना ने एक इमारत को किया ध्वस्त, ध्वस्त किए गए घर में रहते थे 30 लोग। मैड्रिड में गाजा में मारे गए लोगों को किया गया याद, उनकी याद में हजारों की संख्या में जूते किए गए डॉन। राफा में इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हुई है, हमले से मलबे में तब्दील हुआ राफा। गाजा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बाढ़ के चलते लोगों की बड़ी है मुश्किलें। गाजा में बाढ़ के बीच एक महिला का किया गया रेस्क्यू, पानी में फंसकर महिला इंतजार कर रही थी, एम्बुलेंस पानी में फंस गई थी। गाजा में इजरायली हमले में एक मासूम बच्चा जख्मी हुआ, अस्पताल में चल रहा है बच्चे का इलाज। इजरायली सेना का फालुजा कब्रिस्तान के पास हमला, हमले में कई कब्र को पहुंचा नुकसान।
अलास्का में भारी बमबारी, बर्फबारी हुई है, माइनस में पहुंचा है पारा, बर्फीली हवाओं से बढ़ाई ठिठुरन। रूस के साइबेरिया में भी बर्फबारी हुई, चारों ओर बिछी सफेद चादर, भारी बर्फबारी से बड़ी परेशानी। चीन में सफेद आफत का कहर, बीजिंग में सभी स्कूल बंद, लोगों के घरों से निकलने पर मुश्किल हुई। भारी बारिश से फ्रांस में बाढ़ जैसे हालात बने, कई इलाके डूबे, प्रशासन अलर्ट। सिक्किम के लाचुंग इलाके में भारी बर्फबारी हुई, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। असम में कुदरत का कहर, आसमान से बरसे ओले, ठंड के साथ ओलों ने बढ़ाई मुसीबत। वेनेजुएला में आग का कहर, ट्रक में विस्फोट के बाद आग लगी, हादसे में 8 की मौत, 14 से अधिक घायल। न्यूयॉर्क के किंग्स ब्रिज में भीषण आग लगी, अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, तेजी से फैल रही आग। किर्गिस्तान में तुर्की दूतावास के पास कार में विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद कार में आग लगी, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक गोदाम में आग लगी, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे के पास खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगी, आग लगने से धू कर जली बाइक, जलकर राख हुई। टेस्ला में अपने ह्यूमनॉइड रोबोट की ऑप्टिमस जेन 2 को किया गया अनवील, यह अपग्रेडेड मॉडल 30% तेजी से करता है काम। असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों का वसेरा, पिछले साल की तुलना में इस बार इनकी संख्या में वृद्धि हुई। तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। चीन के बीजिंग जू में पांडा की मस्ती, भारी बर्फबारी के बाद मस्ती करता दिखा पांडा।